जय साईं नाथ। सभी साईं भक्तों की ढेरों फरमाइश थी कि नरेंद्र मोदी जब शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने आए तो विजिटर्स बुक्स में उन्होंने क्या लिखा। आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो उन्होंने क्या लिखा। उससे पहले हम आपको बता देते हैं, कहते हैं जहां होती है सबकी मनोकामना पूरी, वो है साईं की नगरी शिरडी। कहते हैं इनके दर से आज तक कोई खाली नहीं गया, जिसने भी ध्यान लगाया उसकी सभी मनोकामना पूरी हो जाती है। वहीं अपनी मनोकामना पूरी करने पहुंचे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। विषय ये भी होता है कि आखिर नरेंद्र मोदी शिरडी साईं दरबार क्यों पहुंचे। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि बाबा की समाधि को पूरे 100 वर्ष हुए थे, इसीलिए बाबा के दर्शन करने और आने वाले 2019 में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए भी नरेंद्र मोदी शिरडी साईं बाबा के दर्शन करने पहुंचे। देश विदेश से यहां लाखों सैलानी दर्शन कर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। इस पावन मौके पर नेता अभिनेता हजारों लाखों की संख्या में शिरडी साईं बाबा दरबार में माथा टेका और अपनी मनोकामना मांगी। शिरडी साईं बाबा जिनके चिंतन मात्र से सभी परेशानियों का हल होता है, आज यहाँ का नज़ारा इतना आकर्षण है कि जिससे नज़र ही नहीं हटती है। आखिर क्यों नज़र हटेगी, क्योंकि यहाँ पे 15,000 किलो से भी ज़्यादा फूलों की सजावट की गई थी। जो दरबार में सबसे खूबसूरत नज़ारा था वो था यहाँ के फूलों के अलावा फलों से बाबा का श्रृंगार करा गया था दरबार का, जिसमें सेब, संतरे, आम, मौसमी, नारियल, अनार जैसे ढेर सारे फलों का भव्य दरबार बनाया गया था। और यहाँ का नज़ारा इतना आकर्षक था कि ऐसा लग रहा था जैसे ब्रह्मांड के सारे देवी देवता ये नज़ारा देखने के लिए शिरडी की पावन भूमि पर उतर आए हैं। उसी खूबसूरत नज़ारे को देखने स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यय समय में से सिर्फ 15 मिनट का समय निकालकर आए और वह यहाँ पर 3 से 4 घंटे का समय लगा कर गए। और उन्होंने विजिटर्स बुक्स में लिखा, सत्संग के रजिस्टर में उन्होंने नरेंद्र मोदी जी ने लिखा कि साईं बाबा का महामंत्र सबका मालिक एक है। पूरे विश्व को विश्व के लिए शांति के लिए उन्होंने शांति पूरे विश्व की शांति के लिए महत्वपूर्ण है। सभी साई भक्तों को साई बाबा का आशीर्वाद प्राप्त हो, उन्हें सुख और शांति मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं बाबा के चरणों में पुनः नमन करता हूँ। उन्होंने मोदी जी ने ऐसा लिखा था। यहाँ पे दशहरा उत्सव बहुत अच्छे से मनाया गया। मैं निलेश संगलेजा साई मुस्कान की ओर से शिरडी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बाबा की लीलाओं का गुणगान करने का सिर्फ एक मात्र चैनल है जिसका नाम है साई मुस्कान। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत कर दें। जय साईनाथ।